जो ट्रेड फेयर लगा है, तो ट्रेड फेयर में आप अपने ओपनिंग किया, उसके बारे में सर बताएं सर। देखिए, सबसे पहले तो माता शीतला के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जो चैत मास का जो महीना है, माता शीतला को धोखने के लिए पूरे भारतवर्ष से लोग गुरुग्राम के अंदर आते हैं, और गुरुग्राम की पहचान माता शीतला के नाम से भी है। और हमारा जो गुरुग्राम शहर है वो गुरु द्रोण का भी शहर है, और जब इतना बड़ा मेला लग रहा है तो इस तरीके के मेले जो ट्रेड फेयर के नाम से आज शुरू किया जा रहा है, तो इस तरह के आयोजन भी होते रहते हैं। देखिए, माता रानी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, ऐसे माता रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। 2 साल का समय कोरोना का बड़ा ही मुश्किल का समय हमारे बीच में निकला, तमाम पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर के बाद बहुत से लोगों ने अपने लोगों को खोया। बहुत लंबे टाइम के बाद जिंदगी आम पटरी पर आई है। माता शीतला के मंदिर से आ रहे हैं अभी, वहाँ पर भारी रश, भारी श्रद्धालुओं का भीड़, लोग बड़े मन से लगातार आ रहे हैं। तो मैं जितने भी ट्रेड फेयर के संचालक हैं, भाई विपिन जी, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि इनको किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो, चाहे वो ट्रैफिक के अधिकारी हैं, अपनी ट्रैफिक की जो भी सुविधाएं हैं पूरी दें यहाँ पर, सफाई को लेकर के। और साथ के साथ मैं आयोजकों को भी कहता हूँ कि सबकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, और माता रानी से प्रार्थना है कि इनको इस काम में बहुत बरकत दे, तरक्की दे। अगर हम छोटे थे जब उस टाइम की बात करें, तो जब भी मेले में जाते थे तो इस तरह की जो स्टॉल्स थी या झूले थे, तो वही जो आज गुरुग्राम का स्वरूप है, गरीब आदमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और ये जब मेले में आदमी आता है और इस तरह के जो ट्रेड फेयर जैसी जगह हैं, तो यहाँ पर जानकारी भी बढ़ेगी, एंटरटेनमेंट का भी एक जोन बना है, और साथ के साथ लोगों को जो सेल्फ हेल्प मूवमेंट्स हैं, जो छोटे छोटी कलाकारी शिल्पकार लोग हैं, उनको भी व्यवसाय मिलेगा। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ठीक है सर, ओके। मेले की ओपनिंग माननीय नवीन गोयल जी के द्वारा हुई है, और काफ़ी उन्होंने हमें हिदायतें भी दी है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी और हाइजीनिक फूड का हम ध्यान रखेंगे, और वियर मास्क। मेले में क्या क्या सेफ्टी रखी गई है? मेले में सारी सभी तरीके की B&R की और फायर एंड सेफ्टी की जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं सारी पूरे किए गए हैं। आज मेले की ओपनिंग है, यहाँ पे कितनी संख्या में मेले में अभी आज ओपनिंग हुई है, धीरे धीरे क्राउड बढ़ता रहेगा। लेट होने की क्या वजह है मेला? सर, लेट होने की वजह यही है कि सर गर्मी ज़्यादा है और हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करके काम करना चाहते हैं। आज कैसा रिस्पॉन्स मिला? सर अभी आज स्टार्टिंग हुई है तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा सर। बच्चों के लिए क्या स्पेशल है? बच्चों के लिए काफ़ी झूले हैं, राइड्स हैं, और अमेजोन के जंगल हैं, और गोरिल्ला है, डायनासोर है, और काफ़ी झूले हैं। यहाँ पे ऐसे लोग आते रहेंगे तो आप और दिन आगे बढ़ा सकते हो या उसी दिन आपकी डेट फिक्स है? 10 अप्रैल तक हमारा फिक्स है। किस प्रकार के स्टॉल लगा रखे हैं? हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स हैं, और जो सेल्फ मूवमेंट वाले हैं, जो मतलब डेली मतलब सामान बनाते हैं वो स्टॉल्स काफ़ी हैं, जो हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन हैं वो। मेले में क्या खास अलग है यहाँ पर? सर टाइटेनिक शिप से एंट्री है और काफ़ी अच्छा है सर, वो देखने से ही पता। अगर कोई गरीब बच्चा हो, गरीब बच्चे आना चाहे, उसके लिए क्या है? ओके जी, एनजीओज के लिए भी फ्री। थैंक यू।